दोस्तों आज हम बात करेंगे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद के खौफनाक ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड की, जिसमें इसराइल ने 20 सालों तक दुनिया के कोने कोने में जाकर अपने दुश्मनों का खात्मा किया था। असल में हुआ यूं कि जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक्स के दौरान 8 फिलिस्तीनी आतंकियों के ग्रुप ब्लैक सितंबर ने इसराइली खिलाड़ियों को बंदी बना लिया और लगभग 200 पैलेस्टीनियंस को इसराइली प्रिजनर्स से छुड़ाने की मांग की, और मांग पूरी न होने पर इन खिलाड़ियों को बेरहमी से मार दिया। इसराइली सरकार डायरेक्टली इन्हें खत्म नहीं कर सकती थी, ऐसे में इसकी जिम्मेदारी मोसाद को दी गई। ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड यानी खुदा का कहर अक्टूबर 1972 में शुरू हुआ। इसी दिन रोम में ब्लैक सितंबर के चीफ वेल्जेवेतर को मार दिया गया और 8 दिसंबर को इनके लीडर महमूद हमशारी को फ्रांस में मारा गया। महमूद की एक कॉल रिसीव करते ही धमाके में मौत हो गई। असल में एजेंट्स ने उसके टेलीफोन में बॉम्ब फिट किया था, और क्योंकि ब्लैक सितंबर के मेंबर्स एक एक करके मौत के घाट उतारे जा रहे थे, इसीलिए ये सीक्रेट ऑपरेशन दुनिया भर में मशहूर हो गया।